हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग फिर से आ गए हैं गड़ी माई के कॉलोनी के नदी और घूमने आ चुके हैं। अब आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे नदी के बारे में और उस पार खेती बाड़ी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे थोड़े बैठ कर इंजॉय कर रहे थे। आज ये वही नदी है जिसमें मैं एक बार गिर चुका हूँ। आज इस नदी को हम लोग फिर पार करने वाले हैं और इस नदी को उस पार के इलाके में जाने वाले हैं। चलिए गाइस चलते हैं। ओके, ये कैसा भी वाई शेप में पेड़ है, यहाँ पे दिखा दो कैमरामैन जी, यहाँ का पूरा सिनेमैटिक दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, पूरा सिनेमैटिक दिखाइएगा। लो भाई, हम आ चुके हैं यहाँ नदी, यहीं से हम पार करेंगे। वहाँ दिखाओ भाई, वहाँ काफी अच्छे लग रहे हैं, वहाँ जुआ लोग खेल रहे हैं, देखिए। और भाई देखिएगा ये सारा गंदा, और भाई लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आज इस नदी में ना फंसूं। भाई अभी मैं नहीं बदराम, भाई आप नहीं बोले, आप बहुत बहुत अशुभ है। दोस्तों मैं आप नदी के जंग के लिए तैयार हो रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। भाई समझ जाना भाई, मुझे फिर वही डर लग रहा है, कहीं मैं नीचे ना जाऊं। भाई उतना डर नहीं है यार। भाई तुम प्लीज कुछ मत बोलना, तुम्हारा और भाई का कुछ मत बोलना। भाई यहाँ पानी बहुत गर्म है, लेकिन पानी बहुत गंदा है, गंदा है और नंगा भी है। भाई इस वीडियो में मुझे सबसे बड़ा दुख लगा ये डैट आइस भाई उस नदी में नहीं गिरा यार। क्या दुख लगा, खुशी नहीं हुआ भाई? कैमरामैन भाई, ये ऐसा दोस्तों तो दुश्मन का क्या जरूरत, आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इन दोनों को खुशी हुआ, तुम दोनों भी मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दुश्मन हैं यहाँ पर, सब मिले हुए भाई। कैमरामैन भाई आपको अच्छा लगा ना? आपको भी अच्छा नहीं लगा? जाइए मेरे भी मेरे दर्शकों को, मेरे फैंस को, मेरे सपोर्टर्स को अच्छा लगा होगा। भाई ये धान दिखा दो, धान क्या दिखाना है भाई, यहाँ बहुत गर्मी पड़ चुका है। ये भी धान मेरे ख्याल से कुछ दिन में, ये धान भी कुछ दिन में खराब हो जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पर कितने बात है, और आप ये सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। गाइस हम लोग को बहुत प्यास लगा है और हम अब उधर जाएंगे, पानी पिएंगे
और उधर से आपको ब्लॉग आगे ले जाएंगे वहाँ। वही पर बहुत भूख लगा है भाई, इंक लग चुका है। हाँ तो भाई आप हम लोग चैनल को मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा भाई का ऐसे सजा मौली के साथ मिलना एक सपना है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमको प्लीज सपोर्ट अस। मनीष जैसा कपड़ा पहना है वही जो दिख रहा है भैंस, वो मनीष ही है। फिर भी बहुत प्यास लग रहा है, बहुत प्यास। कैमरा भाई और व्यूअर्स, यहाँ पर सारा मकई कट चुका है, सबको जला दिया गया है और मकई अब फैक्ट्री में जा रहा है। पूरा कट चुका है, थोड़ा इसमें सहयोग हम लोगों ने भी किया है। बताना जरूरी है क्या भाई? आप लोगों से हम दरख्वास्त करते कि किसान का इज्जत कीजिए और उनका मदद और ज़्यादा मत फेंक। अभी अभी तो आया है, अभी एक किसान का बेटा। जय किसान, जय जवान, जय किसान। भाई ये पुल थोड़ा खतरनाक तो दिख रहा है, मैं इस पुल को पार कर सकता, पर बजरंग भाई आप कुछ भी मत बोलिए। ठीक है भाई, कुछ नहीं बोलूंगा जा। और फ्रेंड्स आप सपोर्ट कीजिएगा कि मैं पुल को पार कर सकूं भाई, और ये पुल पार कर दिया तो आप लोगों ने, मुझे पता है आपने लाइक सब्सक्राइब जरूर किया, उसी ने मैंने पार कर दिया, ये पता है। आजा भाई, क्या गिराएगा उसे, इसने मुझे बहुत भेजे थे, इसको मारो। अरे भाई यार, लगता है सैंडल की भाई आज आप तो हमारे मतलब बदवान भाई एक गाना सुनाएंगे, बताओ भैया। राउंड टू स्कूल लाइफ, राउंड टू पार्ट वन, राजिया तो बुलिया भाई लोग। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ मनीष भाई, आपको ये एरिया कैसा लग रहा है, ये सब धान वन जगह कैसा लग रहा है? अच्छा है, हरियाली के और आज मौसम भी अच्छा है। मौसम तो भाई सही में अच्छा है। और आसिफ भाई एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ से क्या हरपुर जा सकता है? हाँ, खेती जा सकता है, अगर जाना चाहते तो चले जाओ, रात हो जाएगा। पर कुछ बिताएगा भी तो हमको याद करिए। कौन बिताएगा भी? मेरे तुम समझदार हो मेरे भाई, आप लोग समझदार है ना भाई, रहने दो। बाबा के मटिया में तुम लोग भाई थोड़ा काम बोलो भाई। आप भाई आगे 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 कुछ पूछना है? बाबा लोग बहुत अच्छे होते हैं भाई। भाई मुझसे कुछ पूछना है? हाँ भाई, तुमसे पूछना सवाल। आसिफ को मन कर रहा है मारने का? भाई मन और दिल दिमाग सब कुछ यही कह रहा है, मन का इसको चप्पल उठा के, ये व्हाइट पाउडर जो नीचे दिख रहा है ना आपको, वो जो लड़की लगाती है इसको लगा के पीटने का मन कर रहा है। हाँ तो मैं ये बोल्डर है ना, उसी से उठा के तुझे पीटूंगा। इस बोल्डर से क्या भाई? नहीं भाई, नहीं भाई, इस बोल्डर से मैं पीटूंगा, इससे पीटेंगे तो मैं सर फूट जाएगा और मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा भाई। हर जो आदमी सामने से आदमी आ रहे हैं, मजाक साथ किया, थोड़ा देर रुक जाते हैं वरना पिटा जाएंगे यहीं। इनको मन कर रहा है मुझे क्लास में सबसे अच्छा कौन लगता है यहाँ पर? सबसे नहीं भाई, आपको कल का कहानी बता रहे हैं। कल हम चारों वीडियो बना रहे थे और हमने होमवर्क नहीं किया था, आपको बाहर पूरे स्कूल के सामने मुर्गा बना दिया था भाई। ये क्या बता रहा है ये भाई? सीखे थे किसी को बताइएगा मत। भाई क्लास में सबसे अच्छा कौन लगता है? क्लास में सबसे अच्छा सारी लड़की है, सबसे अच्छा तो मेरा ये दोस्त ये भी एक लड़की है भाई। यहाँ पर देखे फिल्म चल रहा है, हम भेड़ बकरे आए हुए हैं चरने का, और अपने अपने बकरी नजदीक आ रहा है, इसीलिए इतने सारे बकरे आ रहे हैं चरने उड़ने।
सब आदमी बकरे क्यों रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।